अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। प्यारे बच्चों, मैं आपका इस्तकबाल करता हूँ अपना यूट्यूब चैनल अल रज़ा मैथमेटिक क्लासेस में। आज की वीडियो नंबर 3, ये हमारी 11th मैथ का चैप्टर 1 पर है, जिसमें आज हम पढ़ेंगे एरिया ऑफ अ सेक्टर और एक्सरसाइज 1.2 के बारे में। ये हमारे इस सबक का लास्ट पॉइंट है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम हमारे पॉइंट की। सवाल नंबर 6 हमारा क्या है, तो एरिया ऑफ अ सर्कल इज 25 पाई स्क्वायर सेंटीमीटर। यानी हमें क्या बोला गया है कि एक एरिया है, यानी सर्कल का एरिया दे दिया गया है, यानी उसका रकबा दे दिया गया है, कितना है 25 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, वही हमें मालूम करना है जो हम अभी तक मालूम करते हैं। फाइंड द लेंथ ऑफ आर्क, यही हमें मालूम करना है। एन एंगल ऑफ 144 डिग्री, यानी थीटा, अब इसका थीटा कितना दिया गया है, यानी थीटा में कितना है 144 दर्ज। अल्सो फाइंड द एरिया ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग सेक्टर एरिया, तो देखिए किस तरह से हम इसे फाइंड आउट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं। गिवन दैट यहाँ पर एरिया ऑफ द सर्कल दिया गया है, एस हमें मालूम करना है, थीटा 144 दर्ज दिया गया है। सबसे पहले हम एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करेंगे। एरिया ऑफ सेक्टर किसे कहते हैं, आपको अच्छी तरह से पता है, ये अंदरून वाला हिस्सा। ओके, यहाँ पर चलिए, तो सबसे पहले थीटा को हम कन्वर्ट करते हैं किसमें, रेडियन में कन्वर्ट करते हैं। यहाँ पर हम इसे 18 से अगर तकसीम करते हैं इसको, तो कितना आता है, 18 की बजाय 12 से करते हैं तो ये हो जाएगा 12, और 12 की 12 कितना बचा, 6, 12 पंजे 60, तो फिर ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा 5, यानी कितना आया 4π/5। ओके, ये हमें आंसर मिल गया, देखिए वही आंसर मिला 4π/5। तो आगे चलिए, इसके बाद हम जानते हैं एरिया ऑफ अ सर्कल क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो एरिया ऑफ सर्कल कितना दिया गया है 25, इस तरह से ये पाई इधर की सिमतों में जाकर तकसीम करेगा, तो क्या होगा, पाई से पाई कट जाएगा, ये पाई से पाई कट गया और क्या बच गया, आर स्क्वायर इज इक्वल टू 25। तो और अपनों को पता है कि 25 क्या है, मुरब्बा गत है, इसलिए आर बराबर कितना हो गया, 5 हमें हासिल हो गया। इसके बाद क्या करना है, हमें एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर का जब्ता क्या है, हमारे पास लेंथ ऑफ एस हम अच्छी तरह जानते हैं, आर इंटू थीटा है, आर हमें मिल गया 5 और थीटा कितना है 4π/5। यहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, 5 से 5 कट गया और लेंथ ऑफ आर का एस कितना मिल गया हमें 4π। तो यहाँ पर अब आगे बढ़ते हैं, क्या कहा गया है, एरिया ऑफ सेक्टर इस तरह से है ना, एरिया ऑफ सेक्टर का जब्ता हमें पता है, तराशे का रकबा 1/2 r² थीटा, और इस तरह के जब्ते से हम अच्छी तरह से वाकिफ़ है, तो यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रखते हैं। चलिए किस तरह से, r यानी कितना रखे हमने, 5 रखे, क्योंकि 5 हमें r मिला और थीटा कितना है इस तरह से, इसे जब हम सॉल्व करेंगे तो किस तरह से मिलेगा, 1/2 2π, यानी यहाँ पर जो है ये 25 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25, 5 × 5 और 5 × 5 = 25, यहाँ पर 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो कितना बचा 5 × 2π, तो एरिया ऑफ सेक्टर कितना मिल गया 10π। ये था हमारा सवाल नंबर 6 जो हमने यहाँ पर हासिल किए। ओके, इसके बाद है सवाल नंबर 7 पर हम आते हैं कि ओ ए बी इज अ सेक्टर ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर एट ओ एंड रेडियस 12 सेंटीमीटर, इफ़ मेजर ऑफ एंगल ए ओ बी 45 डिग्री, फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ अ सेक्टर ओ ए बी एंड ट्राइंगल ऑफ ओ ए बी। तो यहाँ पर देखिए सवाल बहुत अच्छा है हमारा, कि एक सर्कल हम बनाते हैं, यह है हमारा मरकज़, इस मरकज़ का नाम हम देते हैं ओ, क्योंकि हमें बोला गया, और उसका जो रेडियस है, ये रेडियस, ये दोनों कितने हैं 12 सेंटीमीटर के हैं। ओके, फिर उसके बाद क्या बोला गया, थीटा हमें दे दिया गया 45 दर्जे का, यानी जो थीटा ये 45 दर्जे का है, और आगे क्या बोला हमको कि फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द एरिया ऑफ अ सेक्टर, यानी हमें अंदरून का मालूम करना है, और उसके बाद ट्राइंगल ए ओ बी, तो हम यहाँ से क्या करते हैं, इसे मिला देते हैं ए और बी। तो सबसे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ कि अगर हम ये लकीर नहीं मिलाते हैं, तो मैं फिर से एक मरतबा शक्ल बनाता हूँ आपको, ताकि और अच्छे से आपकी समझ में आ जाए कि हमें क्या करना है और क्या हासिल करना है। ये दायरा हमारा हो गया, थोड़ा बड़ा बनाता हूँ, ये उसका मरकज़, उसके दो निस्ब कुतर,
ओके ए बी करके। सबसे पहले तो ये हमारा कॉस हो गया, हम अच्छी तरह से जानते हैं, और ये पूरा का पूरा जो हिस्सा है ये उसका सेक्टर हो गया, ये हम अच्छी तरह से जानते हैं। हमें क्या करना है, बिटवीन डिफरेंस तो बिटवीन किसके दरमियान में, सेक्टर ए ओ बी और ट्रायंगल ए ओ बी। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ए बी को मिला देते हैं, ए बी को हमने मिला दिया। यानी हमें क्या करना है, ये पूरा का पूरा हिस्से में से, यानी जो ये हिस्सा है हमारा, ये वाला मैं अलग निकाल के बताता हूँ, इस हिस्से में से, यानी ये गोल हिस्सा है हमारा, इस हिस्से में से ट्रायंगल को माइनस करना है। क्या करना है, डिफरेंस का मीन्स यानी क्या होता है, माइनस करना होता है। तो चलिए हम इसको तरतीब से लिखते हैं, क्या क्या दिया हुआ है, हेयर ओ ए, ओ बी, ये क्या है हमारा आर है, 12 सेंटीमीटर दिया गया है, जाविया ओ 45 दर्जे जो मैंने आपको बताया, और डिफरेंस बिटवीन दोनों के दरमियान में हमें सेक्टर के और एरिया के दरमियान में आपको फ़र्क मालूम करना है, यानी ट्रायंगल और सेक्टर के दरमियान में क्या फ़र्क है हमें वो मालूम करना है। एक एक करके हम कीमत मालूम करते हैं। सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो डिग्री में दिया गया है उसको हम कन्वर्ट करते हैं। तो कितने से तकसीम होगा, ये 3 से भी हो सकता है, 9 से भी हो सकता है। तो 9 से हम इसे करते हैं, 9 पंचे 45, और ये है हमारा 9 दूनी 18। फिर इसको करते हैं 5 एका 5, 5 चौके 20, यानी पाई बाय 4 कितना हासिल हुआ, पाई बाय 4 रेडियन हमें हासिल हो गया। आगे चलते हैं, आगे बढ़िए, एरिया ऑफ अ सेक्टर क्या जापता है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा। चलिए कीमत रखते हैं, 1/2 आर कितना है, 12 का मुरब्बा, थीटा कितना दिया हुआ है, पाई बाय 4। अब यहाँ पर चलिए 1/2, मैंने इसे क्या किया कि यहाँ पर 12 का मुरब्बा कर दिया, और ये 4 और ये 2 की ज़र्ब करके इसे लिख दिया। हम चाहे तो इसको तकसीम भी कर सकते हैं। अब देखिए 144 8 के पढ़ाई में कितने नंबर पर आता है, तो यहाँ पर हम कर सकते हैं 8 एक 8 कितना बचा, 6, ये बन गया 64, और 8 64, यानी 18 पाए हमें मिल गया। अगर आप चाहे, क्या मिला हमें, एरिया ऑफ सेक्टर मिल गया। इसके बाद ट्रायंगल का जाप्ता हम लोगों ने इससे पहले अखज़ किए हुए हैं। क्या जाप्ता है हमारा ट्रायंगल का, कि 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा, ये याद रखिए, ये हमारे ट्रायंगल का जाप्ता है। तो इसमें वैल्यू रखते हैं, इसकी पुटअप करते हैं, आर की और साइन की भी वैल्यू हमने यहाँ पर पुटअप किए। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या किया, 12 का मुरब्बा यहाँ लिख दिया, और पाई बाय 4 मीन्स यानी कितना, 45, और साइन 45 क्या होता है, 1/√2 होता है। तो यहाँ पर हम इसको इसे तकसीम कर देते हैं, ये हो जाएगा हमारा 72, कितना हो जाएगा, 72 हो जाएगा। देखिए इस तरह से आपको अच्छी तरह से पता है कि नातिक अदद, गैर नातिक अदद को नातिक अदद किस तरह से बनाए, 90 में हमने सीखा है। तो हम क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई बाय √2 और डिवाइडेशन बाय √2 कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, √4 हो जाएगा। तो ये किस तरह से मिलेगा हमारा, 72 ज़र्ब कॉस के जज़र के अंदर 2 और नीचे 2, क्योंकि जज़र से जज़र कट 2 बचा, 2 एक 2, और ये मिलेगा हमारा 36, कितना हासिल होगा, 36। तो हमारा जवाब कितना मिला, 36 जज़र 2। अब हमारा जो सवाल है, क्या सवाल बोला गया हमें, डिफरेंस बिटवीन दो सेक्टर ऑफ ए ओ बी और ट्राइंगल ऑफ ए ओ बी, डिफरेंस मीन्स तफरीक इन दोनों के दरमियान में होगी। तो चलिए दोनों की वैल्यू यहाँ पर, डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ अ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, दोनों की वैल्यू यहाँ पुटअप करते हैं, 18 - 36 जजर 2। तो कांस्टेंट वैल्यू हम निकालते हैं यहाँ से, 18 अगर हमने बाहर निकाला, ओके पाई एज इट इज रहेगा, और 18 के बारे में 36 कितने नंबर पर आता है, 2 नंबर पर आता है, यानी कितना है हमारा, पाई माइनस 2√2। ओके ये था हमारा डिफरेंस बिटवीन एरिया ऑफ सेक्टर। इसका सेंटर क्या है, ओ है, और दो जो आर्क है वो क्या है हमारी, ये है क्यू, ओके और ये है हमारा पी। उसका रेडियस कितना है, 15 सेंटीमीटर है, ये 15 सेंटीमीटर पर होगा। फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय पी क्यू एंड आर पी क्यू और कोड पी क्यू मालूम करना है हमें। तो हम यहाँ क्या करेंगे, ये कोड पी क्यू हो गया हमारा। इससे पहले जैसा हमने एग्जांपल सॉल्व किया, मैंने आपको बताया कि यहाँ पर देखिए ये वाला हिस्सा जो है इस तरह का, ये हमारा पूरा का पूरा क्या है, कॉस है, एस वाला जब्ता यहाँ पर हम इस्तेमाल करते हैं। तो हम यहाँ क्या करेंगे, जब हमने इसको मिला दिया तो हम क्या करेंगे, मुसलस में से
यानी ये पूरे वाले हिस्से में से कॉस वाले हिस्से में से मुसलस को माइनस कर देंगे। बिल्कुल वैसा ही जैसा हमने पिछली मिसाल में सॉल्व किया। चलिए तरतीब से लिखते हैं। सॉल्यूशन हेयर आर 50 सेंटीमीटर, जाविया ओ कितना है 30 दर्जे। तो चलिए 30 दर्जे को हम कन्वर्ट करते हैं रेडियन में, तो कितने से मल्टीप्लाई करना होगा इसे आपको अच्छी तरह से पता है, 180 से। तो ये 0 से 0 कट हो गया, 3 × 3 और 3 × 6 = 18, तो पाई बाय 6 थीटा कितना मिल गया हमें, पाई बाय 6 मिल गया रेडियन में। तो यहाँ पर फाइंड द एरिया इनक्लोज बाय आर पी क्यू एंड कोण पी क्यू हमें मालूम करना है। तो दोनों का जब्ता इस्तेमाल करेंगे यहाँ पर, तो एरिया ऑफ अ सेक्टर और एरिया ऑफ अ ट्रायंगल, क्योंकि आपको दिखाई दे रहा है ये एरिया ऑफ ट्रायंगल है और बाकी जो हिस्सा है ये जो मैं आपको बता रहा हूँ ये वाला, ये हमारा क्या है एरिया ऑफ सेक्टर है, यानी पूरा पूरा एरिया ऑफ सेक्टर है और इसके अंदर से हमें ट्रायंगल को माइनस करना है। तो एरिया ऑफ सेक्टर हमारे पास क्या है, 1/2 आर स्क्वायर थीटा, और एरिया ऑफ सेक्टर पिछले एग्जांपल में हमने सॉल्व किया 1/-1/2 आर साइन थीटा। ओके, ये हमने पिछले एग्जांपल में सॉल्व किया है। यहाँ पर अगर आप किताब देखिए या फिर आप कोई डाइजेस्ट वगैरह में अगर आप देखें तो यहाँ पर जो ये साइन थीटा है, तो इस तरह की जो प्रॉब्लम है हमें यहाँ पर उसका एक परपेंडिकुलर यानी उमूद बनाकर सॉल्यूशन करने के लिए बोला गया है। वो प्रोसेस थोड़ा सा हमारा लंबा है लेकिन हम इस तरीके से भी करें। तो आपको क्या याद करना है, एरिया ऑफ ट्रायंगल का जब जिक्र दिया गया तो आपको ये वाला सप्ता इस्तेमाल करना है। तो यहाँ से कॉमन क्या कौन कौन सी चीज़ निकलने वाली है, 1/2 निकलेगा, आर स्क्वायर कॉमन निकलेगा। तो यहाँ से हमने निकाला 1/2 आर स्क्वायर, तो क्या क्या बच गया, यह बच गया थीटा माइनस की अलामत और साइन थीटा बच गया। ओके, चलिए अब इसके बाद इसकी वैल्यू यहाँ पर पुट अप करते हैं एक एक करके। आर हमारे पास कितना दिया हुआ है, 15। थीटा की वैल्यू कितनी है, पाई बाय 6 रखना है। ओके, 30 नहीं रखना है क्योंकि रेडियन वैल्यू वैल्यू हम रखते हैं। तो थीटा है यहाँ पर, यहाँ थीटा दिया हुआ है, थीटा की जगह पर पाई बाय 6 और साइन के बाद जो थीटा है वहाँ पर भी पाई बाय 6। ओके, ये हो गया साइन 30। नीचे हमने क्या किया, यहाँ पर 15 का मुरब्बा निकाले, 15 का मुरब्बा 225 होता है, इन दोनों की ज़रब करके हमने यहाँ लिख दिया, पाई बाय 6 एज इट इज़ रहेगा। साइन पाई बाय 6 यानी साइन 30 कितना होता है, 1/2 होता है, ये हमको अच्छी तरह से पता है। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, 1/2 को कॉमन बाहर निकालते हैं क्योंकि 2 के पाड़े में 6 आता है, तो 2 के पाड़े में 6 कितने नंबर पर आता है, 3 नंबर पर आता है। तो हम 1/2 बाहर निकालते हैं, अंदर क्या बचेगा, पाई बाय 3 और उसकी जगह ये खाली हो गई -1। तो यहाँ पर जो पाई बाय 3 है, चलिए इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन आपको अच्छी तरह से आता है, तिरछी ज़रब करेंगे इसे, 3 × 3 यानी पाई का पाई -3/3, इस तरह से हमारा जवाब रहा। ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये इसके साथ मल्टीप्लाई, ये 225/4 ज़रब इस तरह से। आप अगर चाहे तो फिर यहाँ से ये जो 3 है ये 3 मल्टीप्लीकेशन की शक्लों में है, ये 3 225 के साथ तकसीम करेगा, तो 225 × 3 3 × 7 = 21। ओके, 1 × 15 = 15 यानी 75। तो हमारा क्या जवाब हमें हासिल हुआ, मैं ऊपर लिखता हूँ जवाब, या 75/4 ओके इन ब्रैकेट π/-3, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा दिया गया है, द पैरामीटर ऑफ अ सेक्टर ऑफ द सर्कल ऑफ एरिया 25 SQ यानी स्क्वायर मुरब्बा, सेंटर है हमारा, सम है इस 20 cm। तो चलिए देखिए क्या क्या दिया हुआ है, जो चीज़ दी गई हम वो पहले उसको लिख लेते हैं। सर्कल ऑफ एरिया दिया हुआ है 25 और पैरामीटर, पैरामीटर मीन्स यानी क्या, एहाता होता है, क्या होता है, एहाता होता है। ओके, तो यहाँ पर एक दायरा बनाते हैं, ये दायरा है और यहाँ पर इस तरह से वही शक्ल हमारी बार बार यहाँ पर यूज़ हो रही है, हम इससे नाम दे देते हैं AB। ओके, मैं यहाँ पर दूसरा कलर का इस्तेमाल करता हूँ ताकि आपको बता सकूँ कि हम कौन सा इसमें अमल कर रहे हैं, क्या चीज़ करना है। रेड कलर का हम इस्तेमाल करें, ग्रीन कलर का। तो पैरामीटर ऑफ सेक्टर कितना है, 20 दिया हुआ है और एरिया ऑफ सर्कल हमें कितना दिया हुआ है, 25। ओके, हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ द सेक्टर हमें फाइंड आउट करना है। तो किस तरह से करेंगे, चलिए सबसे पहले हम यहाँ पर सर्कल ऑफ एरिया की मदद से आर की वैल्यू पुट अप करेंगे, हासिल कर लेते हैं हम यहाँ पर। आपको पता है यहाँ क्या होगा, पाई से पाई कट जाएगा। ओके, और आर मीन्स 25 मुरब्बा नंबर है, किसका, 5 का, तो आर बराबर 5 हो गया। इसके बाद क्या बोला गया, पैरामीटर ऑफ सेक्टर। तो हमें यहाँ पर देखिए
ये 5 मिल गया, ये 5 मिल गया। आगे क्या बोला गया है कि उसका जो पैरामीटर है वो कितना है, 20 है। यानी ये वाला जो सेक्शन है ये कितना है, 20 है। ओके, तो पैरामीटर मीन्स यानी अहाता। तो ये जो शक्ल दिखाई दे रही है इस तरह की शक्ल, इसमें क्या क्या है, आर है और एस है। तो हम क्या करते हैं, अहाते में तीनों की जमा करते हैं। तो पैरामीटर ऑफ सेक्टर क्या लिखेंगे, आर जमा आर। आइए इनकी कीमत रखते हैं। पैरामीटर ऑफ सेक्टर कितना दिया है, 20। एस, सॉरी माफ़ी चाहता हूँ, ये पैरामीटर एस 20 नहीं रहेगा, ये पूरा वाला सेक्शन यानी ये जो दिखाई दे रहा है ना, ये सेक्टर हमारा 20 रहेगा। कितना रहेगा, 20 रहेगा। 5 और 5 की जमा कीजिए कितना हो जाएगा, 10। ओके, 10 उधर जाकर तकसीम करेगा, माइनस करेगा सॉरी, तो एस बराबर कितना मिल गया हमारा, 10। तो एस हमें कितना मिल गया, 10 हासिल हो गया, एस बराबर 10 मिल गया। क्या करना है, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर मालूम करना है। तो किस तरह से, जब्ता हमको पता है 1/2 r² θ। यहाँ पर एरिया ऑफ अ सेक्टर किस तरह से, आप अच्छी तरह जानते हैं, इस तरह का जब्ता हमारे पास मौजूद है। यहाँ पर एरिया ऑफ सेक्टर का क्या जब्ता है, 1/2 r² θ है। और एरिया ऑफ सेक्टर का दूसरा वाला जब्ता भी हमारे पास है। किस तरह से, आपको अच्छी तरह पता है, मैंने बताया था पहले, इसमें हमने क्या किया था, आर को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया था, और इतना जो हिस्सा होता है ये हमारा क्या होता है, एस होता है। क्या होता है, एस। तो चलिए यहाँ पर हम इसकी वैल्यू रखते हैं, आर कितना है, 5, और एस कितना है, 10। या हम रखते हैं इसको, तो यहाँ पर देखिए 2 × 1 = 2 और 2 × 5 = 10। क्या बचा, 5 × 5 बचा, तो कितना हो गया, 25। कितना होगा, एरिया ऑफ अ सेक्टर 25 मिल गया हमें, 25 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो क्वेश्चन नंबर जो 10 है हमारा, वो भी इसी तरह से है, आप उसे कोशिश कीजिए सॉल्व करने की। ओके, और वीडियो कैसी लगी कमेंट्स बॉक्स में लिखकर ज़रूर बताइए।